शैलजा पांडे, आज का टॉपिक है डेंगू, जिसको हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेकिंग फीवर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के समय चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफॉइड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और वायरल फीवर बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल जो है छोटे बच्चे, बड़े, ये सभी लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मैं इसके बारे में, वैसे तो आजकल सभी लोग जानते ही हैं कि डेंगू फीवर क्या है, कैसे होता है और प्रिवेंशन क्या लेना चाहिए, सबको पता है, सब लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। फिर मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगा और अगर पता है तो वेल एंड गुड। डेंगू का जो मच्छर होता है वो होता है एडीज मच्छर, जो कि दिन के समय ज़्यादा काटता है और ये साफ़ पानी में होता है। हमारे आसपास कूलर में, गमलों में, नालियों में या काफ़ी दिनों से अगर बाल्टी में पानी भरा हुआ रखा है तो उसमें ये मच्छर पनप सकते हैं। तो ऐसा ना होने दें अपने पास, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डेंगू फीवर के काटने से, डेंगू के जो मच्छर होते हैं उसके काटने से क्या होता है कि जो बच्चा है या जो भी बड़ा है उसको बहुत तेज़ बुखार आता है। पहले तो सर्दी जुकाम जैसा लगता है, सर में भारीपन लगता है, शरीर में भारीपन लगता है, शरीर टूटा टूटा लगता है, कमजोरी आती है, फिर बहुत तेज़ बुखार आता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी अभी कि जब डेंगू मच्छर काटता है तो उसके बाद 4 से 7 दिन के बाद इसके लक्षण आते हैं। काटने के बाद 4 to 7 days के बाद इसके लक्षण आते हैं। तो उसमें क्या होता है, वही भारीपन लगता है, बुखार जैसा लगता है, पेशेंट को शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, शरीर टूटा टूटा लगता है, हड्डियों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा, ये शरीर के जोड़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसे लगता है जैसे किसी ने मारा होगा, इस टाइप से दर्द होता है। इसीलिए हम इसे बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसमें जो है चेहरा लाल हो जाता है, पेशेंट की आंखें लाल हो जाती हैं, जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उल्टी जैसा होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है और जब खाने की बैठेगा तो उसे नौजिया फीलिंग होगा, मतलब उल्टी जैसा आने जैसा होगा और आंखें लाल, और जो बुखार आता है तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में मतलब कोई बहुत ज़्यादा तप रहा है, इतना ज़्यादा बुखार आता है, बहुत तेज़ हाई डिग्री का 104 के आसपास फीवर आता है डेंगू के बुखार में। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो बकरी का दूध होता है वो डेंगू फीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। डेंगू फीवर में जो है बकरी का दूध बहुत अच्छा कारगर करता है। अब क्यों? क्योंकि जो बकरी का दूध होता है उसमें विटामिन B6, विटामिन B12 और C और D की मात्रा कम होती है। इसमें जो है फॉलिक एसिड बॉन्डिंग की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से ये डेंगू के जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें जो है उसको बनाने में और उसको सही रखने में हेल्प करता है। तो जो एक तो बकरी का दूध 1 साल से कम के बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जो बकरी का दूध होता है, जैसे गाय का दूध तो 8 घंटे में पचता है, वहीं बकरी का दूध जो है 20 मिनट में जो है डाइजेस्ट हो जाता है, तो बच्चे को बार बार भूख लगेगी। तो इसीलिए बकरी का दूध जो है 1 साल से ऊपर के बच्चों को देना चाहिए, जिनको अगर डेंगू की दिक्कत है या ऐसा बुखार आ रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है डेंगू वो बकरी का दूध। अब इसमें क्या होता है कि जो मेथी के पत्ते होते हैं वो भी प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो मेथी के पत्ते होते हैं उनको खाना चाहिए, तो उससे क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। दूसरी बात कहते हैं पपीते के पत्ते जो है उसको उबाल कर उसका पानी पीने से भी प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। माना कि इसमें साइंस में ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, मगर ऐसा कहते हैं। तो पपीते के जो नेचुरल चीज़ें हम उसका यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ करने में। मुझे लगता है कि जो मेडिसिनल, जो हम बहुत सारी मेडिसिंस खाते हैं, एंटीबायोटिक्स, ये वो, तो उसका उससे ज़्यादा है, मुझे लगता है इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी में बैड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। माना कि प्लेटलेट्स क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। प्लेटलेट्स क्या होती है कि हमारे रक्त में एक कुछ छोटी छोटी कोशिकाएँ होती हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। अगर ये कोशिकाएं कम हो जाती हैं, मेनली इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1 से 3 लाख होती है हमारी बॉडी के, मतलब ब्लड में, तो प्लेटलेट्स 1 से 3 लाख होती हैं। मगर अगर ये प्लेटलेट्स 30,000 से कम हो जाएं, तो हमारी बॉडी की जो थक्का जमने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि अंदर ही अंदर खून बहने लगता है, मतलब उसको हम हैमरेज कहते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, हैमरेज हो जाता है, उससे क्या होता है, हमारी नाक से खून आने लगता है, ब्लड यूरिन से ब्लड आने लगता है, लैट्रिन से खून आने लगता है, तो ऐसा हो जाता है प्लेटलेट्स ज़्यादा कम होने पे। और हाँ, ज़्यादा कम हो जाने की वजह से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए तुरंत से तुरंत प्लेटलेट्स को जो है चढ़ाया जाता है। लगभग एक कम से कम जो है एक व्यक्ति को 2 यूनिट
प्लेटलेट्स की ज़रूरत तुरंत पड़ती है, तो उसको 2 यूनिट ब्लड प्लेटलेट्स चढ़ा के उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मरीज को बचाया जा सकता है। तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा होता है जब प्लेटलेट्स कम होती है तो उसका क्या लक्षण आते हैं, हमारी त्वचा में जो है नीले या बैंगनी या लाल रंग के धब्बे जैसे दिखाई लगते हैं, हमें पता चल जाता है इस वक्त प्लेटलेट्स कम हो रही है, जैसे कि हेमरेजिक हो रहा है अंदर ही अंदर। तो उससे हमें पता चलता है प्लेटलेट्स कम है, तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि प्लेटलेट्स सिर्फ डेंगू, प्लेटलेट्स कम होने का मतलब ये नहीं है कि डेंगू फीवर है आपको, क्योंकि डेंगू की फीवर में ही प्लेटलेट्स कम हो या प्लेटलेट्स कम होने की वजह से सिर्फ डेंगू ही होता है, ऐसा नहीं है। कई और बीमारियां या कई और वजह होती है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि डेंगू जो मच्छर है उससे मतलब जो वायरस होता है वो हमारे ब्लड में, जब वो मच्छर काटता है तो वायरस हमारे ब्लड में जाता है और हमारे प्लेटलेट्स को इन्फेक्ट करता है और उसकी जो क्षमता होती है बनने की उसको कम कर देता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो अपने आप ख़त्म मतलब डैमेज होती हैं और अपने आप ही उनका निर्माण होता है। 7-8 दिन तक ये प्लेटलेट्स रहती हैं, उसके बाद ये दोबारा फिर से बनने शुरू हो जाती हैं। मगर अगर ये वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है तो इन प्लेटलेट्स की बनने की क्षमता को वो कम कर देता है। इसीलिए डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स जो है बहुत जल्दी कम होती जाती है, तेज़ी से कम होती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उसकी जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए तुरंत अवेयर रहें और अपने प्लेटलेट्स का या अपना ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें पता करें कि आपको डेंगू फीवर तो नहीं है, या उसके लक्षण जो आते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपने आप को दिखाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्लेटलेट्स डेंगू जो फीवर होता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अगर 6 घंटे के अंदर पेशाब आ जाती है तो उतना डरने की बात नहीं है, इसका मतलब आपके शरीर में पानी की मात्रा ठीक है, नॉर्मल है। तो इसलिए पानी की मात्रा की कमी नहीं होनी चाहिए डेंगू बुखार में, आपके शरीर में पानी बहुत पीना चाहिए। अगर बुखार ठीक भी हो जाता है तो उसके 20-30 दिन तक लगातार अपने पानी की मात्रा को या अपने शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा को कम ना होने दें, उसको जारी रखें। अब इसके मच्छर के काटने के बाद क्या होता है कि हाँ, दूसरी बात, अपने घर के आसपास तुलसी का पौधा ज़रूर लगा के रखें, जैसे अपने छत में या कहीं तुलसी का पौधा। हाँ, तुलसी की 3-4 पत्तियाँ या 5-6 पत्तियाँ रोज़ सवेरे खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी जो होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसलिए तुलसी की पत्तियाँ खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और मैं ये नहीं कहती ये बुखार आ जाए या डेंगू हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तभी आप खाएं, इसको आप रेगुलर खाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके शरीर में बीमारी होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसलिए इसका सेवन आपको रोज़ करना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि क्या होता है कि डेंगू के क्या होता है कि डेंगू फीवर में एक तो चीज़ ये होती है कि डेंगू जब एक तो बच्चे जब बाहर जाते हैं खेलने ग्राउंड में तो उसमें क्या होता है वहाँ उसको मच्छर काटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं, अपने आप भी फुल आस्तीन के कपड़े पहनें, बच्चों को भी फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खुली हवा में रहें। दूसरी बात, अगर किसी को बुखार है तो उसको ऐसा नहीं है कि कंबल उड़ा दें, खूब सारे कपड़े उड़ा दें, बंद पंखे में सुलाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि उनके शरीर पे एक ठंडी हवा पड़नी चाहिए। कमरे को हवादार रखें, पंखा चला के रखें जिससे कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, और बिल्कुल शरीर को एकदम से ढके ना, खुला खुला रखें जिससे कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई ना हो। अगर वो ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर जो फीवर में अटैक्स आने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि वो माइंड में चढ़ जाता है तो उसकी वजह से इपिलेप्टिक अटैक्स आ सकते हैं, इसलिए ऐसा ना करें, उसको शरीर को खुली हवा देनी चाहिए। दूसरा, पानी खूब पिलाएं, दूसरा गर्म पानी उबाल के, अगर आपके घर में आरओ नहीं है तो पानी उबाला हुआ पिलाएं बच्चों को भी और ख़ुद भी पिएं, और अगर आरओ है तो उसी का पानी इस्तेमाल करें। बच्चों को बाहर नाली के आसपास ना घूमने दें क्योंकि वहाँ मच्छर इकट्ठे होते हैं और दिन के समय ऐसा होने से मच्छर काट के दें तो डेंगू होने के चांसेस रहते हैं। और अपने घर के आसपास की बिल्कुल सफाई रखें। बस मैं ये कुछ बातें ही बताना चाह रही थी। और दूसरी बात, होम्योपैथी कहते हैं, होम्योपैथी जो है देर से काम करती है, और हम बुखार में अगर होम्योपैथी लेंगे तो जब तक ठीक होने की बारी आएगी तब तक बहुत आगे बढ़ चुका, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन ठीक है और आप अच्छे से दवाई दे रहे हैं, पेशेंट को अच्छे से नोटिस करके मेडिसिन दे रहे हैं, तो होम्योपैथी का वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है। इपिटोरियम परफोरेटम डेंगू फीवर के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 30 इसकी एपिटोरियम 30 को लगभग दिन में 3-4 बार दें तो डेंगू फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी, ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा वर्कआउट करती है। और रस्टॉक्स, अगर शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द के साथ बुखार है, तो रस्टॉक्स 30 लें, उससे आपको काफ़ी रिलीफ होगा और डेंगू फीवर से आपको
प्रिवेंट किया जा सकता है। जलसीमियम भी बहुत अच्छा काम करती है, जो हम वायरल फीवर होता है, जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए जलसीमियम 30 या 200 लेना चाहिए, जिससे कि आपको आराम मिल सके और दूसरे लोगों से आपको इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं इम्यून सिस्टम पर वर्क करती हैं, जेनेटिक बेस पे काम करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है तंत्रिका तंत्र पे हमारे काम करती हैं, तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन का ऐसी डिजीज़ में बहुत अच्छा रोल होता है। और वैसे तो होम्योपैथी का ऑल ओवर डिजीज़ में बहुत अच्छा रोल होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, कई ऐसे मेरे पेशेंट भी होंगे, ये सोचेंगे कि अरे मैम ऐसा कह तो रही हैं पर ये काम तो बहुत देर से करती है, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी गलती हो आपको मेडिसिन देने में, जिसकी वजह से मेडिसिन काम देर से कर रही है। मेडिसिन काम नहीं करती है देर से, जबकि डॉक्टर्स अपनी तरीके से अच्छी तरीके से दवाई नहीं देते, तो उसकी वजह से मेडिसिन का रिस्पॉन्स नहीं आता है। देखिए, रिस्पॉन्स ना आने का, मेडिसिन का रिस्पॉन्स ना आने का, इसमें दोष मेडिसिन का नहीं होता है, क्योंकि मेडिसिन तो अपना काम करती ही है अगर आप उसको अच्छे से दें, है ना। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन सही है, आपने अपने पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उसके सिम्टम्स लिए हैं और आपको नॉलेज हो गई है उसके बारे में कि उसको एक्चुअली क्या है और किस वजह से है, और आप उस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा रिलीफ होता है। और मैं ये कहूँगी कि साल, दो साल, छः महीने, पाँच महीने, एक महीने या पाँच दिन छोड़ दीजिए, अगर आप उसको राइट मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका रिस्पांस राइट नाउ आता है, मतलब क्लिनिक के अंदर ही आ जाता है। उसको तुरंत फील होगा कि मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, इन्होंने मुझे मेडिसिन दी, आई फील बेटर, ये पेशेंट को फील होता है। तो ये चीज़ें मैं धारणा, मेरा वीडियो बनाने का या मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ उसका मेन कारण ये भी है कि जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है उसको निकालने का। ऐसा कुछ भी नहीं है, होम्योपैथी बहुत ज़्यादा फास्टली काम करती है, होम्योपैथी बहुत अच्छे से डिजीज़ को ठीक करती है। और ये सिर्फ मैं अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि होम्योपैथिक मेडिसिंस के लिए दूसरों को अवेयर करने के लिए कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो कॉल फॉर मी ऐप को डाउनलोड करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ छूट गई है, वो ये कि डेंगू फीवर में जांचें क्या कराएं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड टेस्ट कराएं। पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपसे सिम्टम्स पूछेगा, आपके लक्षण पूछेगा, उसके हिसाब से आपको ब्लड टेस्ट करवाएगा, CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट, यहाँ तक कि टाइफॉइड, मलेरिया, जितनी भी फीवर होने के जितने भी चांसेस रहते हैं उन सारी बीमारियों के टेस्ट कराएगा। उसमें प्लेटलेट्स टेस्ट कराएंगे, अगर प्लेटलेट्स कम आती हैं, अगर आपको डेंगू बुखार है, तो फिर उसका इलाज किया जाएगा। तो इसलिए इस तरीके की इसकी जांचें होती हैं, और अपने आप को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर थोड़े से भी कुछ भी लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सेल्फ मेडिसिन ना लें। दूसरी बात, डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं होता है, एंटीबायोटिक्स से ये सही नहीं होता है। जबकि अगर आप सिंपल पैरासीटामोल ले लें तो हो सकता है आप फीवर को कंट्रोल कर सकें। और वायरल फीवर और डेंगू फीवर में डिफरेंस होता है, वायरल फीवर जो है 6 से 7 दिन तक रहता है नॉर्मली, और फिर ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। इसमें आप चाहे एलोपैथिक मेडिसिन कितना भी ले लें, बार बार बुखार आएगा, बार बार चढ़ेगा, बार बार उतर जाएगा। मगर डेंगू में क्या होता है, लगातार बुखार बना रहता है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कमजोरी होती है। वायरल में क्या होता है कि उतरता है, फिर आता है, फिर उतरता है, फिर मतलब आपने पैरासीटामॉल खाई, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा बुखार आने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू सो मच।